एक हफ्ता पहले स्क्रिप्टेड लूट की कहानी के चलते खबर दिखाने वाले पत्रकार खुद खबर बन गए। नोएडा से संचालित हिंदी खबर न्यूज चैनल के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने 20 जून को अपने फेसबुक पेज पर एक लूट की कहानी शेयर की। इस लूट की कहानी में वो खुद विक्टिम थे। पोस्ट आते ही चंद घंटों में कई न्यूज वेबसाइट ने उनकी इस कहानी को उठा लिया, जिसके बाद चर्चा गर्म हुई कि अतुल अग्रवाल इतने भले मानुष कब से हो गए। उनके पूरे पोस्ट में उदारता ही उदारता झलक रही थी, मतलब शब्दों का चयन भी लाजवाब था। मिमियाना, बनिया, मेरा एक बेटा और बाबा रामदेव पर दिखाई रिपोर्ट, ये शब्द उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। कहानी सॉलिड थी, लेकिन नोएडा पुलिस ने 5 दिन के भीतर कहानी को फ्लॉप कर दिया। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि उनकी ये कहानी फर्जी है, पत्रकार साहब की कहानी और तथ्य आपस में मेल नहीं खा रहे। लूट का जो वो वक्त बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही बता रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि फेसबुक पर लिखी कहानी की स्क्रिप्टिंग दरअसल ओयो होटल के कमरे में शुरू हुई थी। नोएडा पुलिस ने कहानी में जैसे ही ट्विस्ट का तड़का डाला, अतुल अग्रवाल ने अपनी फेसबुक आईडी को प्राइवेट कर लिया। ट्विटर आईडी अदृश्य हो गई है। कुल जमा बात, अतुल अग्रवाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। अतुल अग्रवाल ने अपनी पत्नी से सच छिपाने के लिए लोगों से झूठ बोला, उस झूठ को छिपाने के लिए पुलिस से झूठ बोला, लेकिन नोएडा पुलिस बड़ी बेरहम है, झूठ को अगला रविवार भी देखने नहीं दिया। कहानी में ट्विस्ट के बाद से ही ट्विटर पर अतुल अग्रवाल ट्रेंड करने लगे। लोगों ने उनकी खूब खिंचाई की, तरह तरह से लोगों ने उनको ट्रोल किया, लेकिन पत्रकार की इस करतूत के चलते उनकी पत्नी को जो कुछ झेलना पड़ रहा है वो दुर्भाग्यवश है। दरअसल अतुल अग्रवाल की एक पहचान ये है कि वो एक निजी चैनल के प्रधान संपादक हैं, तो दूसरी पहचान ये है कि वो आज तक की मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी के पति भी हैं। घटना के बाद से ही ट्विटर पर चित्रा त्रिपाठी भी ट्रेंड करने लगी। लोग चित्रा त्रिपाठी की एक FIR कॉपी को भी साझा कर रहे हैं, जिसमें कुछ साल पहले चित्रा त्रिपाठी ने अतुल अग्रवाल पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। फिलहाल सच सामने आने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि अतुल अग्रवाल को यूपी पुलिस को बदनाम करने के चलते गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिस पर अभी तक नोएडा पुलिस या यूपी पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।